गलत है। देखो आपको ये समझ आ रहा है कि 3.5 राउंड लग रहे हैं। हाँ सर, ये तो समझ आ गया मेरे को। चलो यहां कहीं से भी मानो यहां से स्टार्ट किया, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और हाफ राउंड में हाँ कोई यहां पहुंच जाएगा, ये समझ आ रहा है? यस सर। तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये। सर तीसरे राउंड में एक, रुक जाओ सर, ए से बी एक चक्कर यहाँ, फिर दूसरा यहाँ। हाँ सर ठीक है ठीक है, वो रेडी वो ही लगेगा। ठीक है, ट्रायंगल तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो ये वाली साइड का मैंने बताया वाला। था एक्स अंडर रूट टू होता है, मतलब 10√2 आंसर। टेन रूट और टू आप चाहो तो अंडर रूट टू की वैल्यू याद कर लो, 1.414 होती है, 10 × 1.414 तो 14.14 आंसर। तो 14.14 मीटर। ओके हाँ ओके अब कई से लोग YouTube पे अलग दिखाने के लिए ये भी कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं चाहे क्वेश्चन कोई भी हो सामने ही पहुंचेगा, ये गलत है। कहाँ पे पहुंचेगा वो ये समय बता रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और 2 मिनट 10 सेकंड कर दूं, आप बताओ। 2 मिनट 10 सेकंड कर दो तो वो तो सर फाइनल आंसर क्या है? 1 सेकंड से 2 मिनट प्लस में 10 सेकंड तो सर टोटल हो गया 130 सेकंड। पहला चक्कर है सर 40, दूसरा 40, तीसरा चक्कर भी चल जाए अच्छा कि 12, तीसरा चक्कर 10 सेकंड वाला छोड़ के जो, तो उसके बाद 3 चक्कर और जो 10 सेकंड बचे हैं हो चुका है 20 सेकंड, 20 सेकंड में आधा चक्कर, 10 सेकंड में 40 सेकंड में एक, 10 सेकंड 10 सेकंड सिर्फ ये पूरा आधा करना, लेकिन 10 सेकंड में सिर्फ एक, तो ये हो गया 3 R + R बता दो, R R फिर ये तो आधा चक्कर नहीं हो रहा, 10 10 सेकंड में सिर्फ तो एक मैं ही यही तो लाइन कह रहा कवर हूं, कर रहा है। मैं यही समझा रहा हूं आपको कि आपको ना सीखना है। सीखने का मतलब है जरूरी नहीं है कि जो यहां है वही होगा। सुनना, आप मतलब समझ, देखो ऐसे देखो, 3 चक्कर तो पूरे हो गए। यस आप ऐसे देखो कि 40 सेकंड में वो एक चक्कर चला रहा है, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा चक्कर का 1/4, ये समझ आ रहा है? सर, हाँ सर इतना तो हो गया। 1/4 का मतलब है वो बी पे ही रुक जाएगा। हाँ ए से बी पे ही रुकेगा सीधा, बस एक लाइन की डिस्टेंस कवर होगी उससे। हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो बहुत कवर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट एक लाइन की तो कवर हाँ होगी, डिस्प्लेसमेंट एक लाइन की कवर करेगा। है ना? अगर इसी यस क्वेश्चन सर। को 2 मिनट 30 सेकंड कर दूं तब बताओ। सर वो जो 10 मीटर वो मैं पहले वाला बता गई थी, उसमें 10 मीटर 1 सेकंड सर, कितनी 30 सेकंड की आपने सर, 40 में पूरा कर रहा है तो सर ये 3 लाइनें कवर कर लेगा, एक छोड़ देगा। हाँ, तो वो डी तक पहुंच जाएगा, हाँ तब भी विस्थापन 10 ही होगा। क्योंकि 2 10 है ना उधर। हाँ, क्योंकि ये 10 है ना। हाँ, तो आपको इस लेवल तक चीजों को एक्सप्लोर करना है, तब जाके आप श्योर हो सकते हो कि मेरे 20 में से 20 पूरे आएंगे, 18 आएंगे। क्योंकि आप सिर्फ इन नंबरों के बेस पे मत करो। और देखो, अगर मान लो आपने वाला तरीका करा होता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब आप ये वाली अप्रोच कभी सीखते ही नहीं, ठीक ठीक है सर। है ना? तो ये आपका था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो,